आज की क्लास में हम अपना ये चैप्टर आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें लास्ट में हमने किया था एडवांटेज ऑफ टेस्टिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट पार्ट है कॉमन इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग। जो टेस्टिंग के लिए कौन कौन से कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स है जो आपको ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ 6 इंस्ट्रूमेंट लिख रखे हमने, जिसमें एक होता है डायल गेज, सेकेंड होता है टेस्ट मैंड्रल, थर्ड होता है स्ट्रेट एज, फोर्थ आपका स्पिरिट लेवल, फिफ्थ आपका ऑटो कॉलीमीटर, नेक्स्ट इज वेवीनेस मीटर। ठीक है, आप इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो टेस्टिंग की जाती है, लाइक एक बेसिक सा एग्जांपल अगर हम यहाँ रखें कि मैंने एक ब्लॉक बनाया, ठीक है, ये ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक मेरा फ्लैट है कि नहीं है, मुझे एक फ्लैट ब्लॉक देना है। तो फ्लैट ब्लॉक का मतलब क्या है कि इस पर कोई भी एंगल ना हो, बिल्कुल फ्लैट हो, 179 डिग्री भी नहीं, तो ये फ्लैट है कि नहीं है। इसकी टेस्टिंग मैं किससे करूँगा, इसकी टेस्टिंग हम करते हैं, ये लिख रखा ना आपका स्ट्रेट एज, इसके थ्रू। नेक्स्ट है आपका डायल गेज, यूजली हम क्यों यूज़ करते हैं डायल गेज, हम अलाइनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट मैंड्रल की यूज़ करते हैं, मैंड्रल बेसिकली स्पिंडल जो हमारा होता है ना, लाइक स्पिंडल जो हमारा रोटेट करता है, तो स्पिंडल की जो रोटेशन है वो प्रॉपरली अलाइंड है कि नहीं है। ठीक है, स्पिंडल हमारा प्रॉपरली रोटेट कर रहा है कि नहीं। तो आपके जो ये भी टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो भेज दूँगा, आप उनमें देख लेना। बस अभी के लिए आप ये 6 जो पॉइंट है, ये 6 इंस्ट्रूमेंट लिखिए और इन सभी में एक एक लाइन लिखना। जैसे डायल गेज में लिखना, डायल गेज आर यूज्ड फॉर अलाइनमेंट टेस्ट, ठीक है। और अगली लाइन ये लिखना, डायल गेज मेजरिंग प्रेशर शुड बी फ्रॉम 4 to 100 ग्राम। नेक्स्ट लिखना टेस्ट मैंड्रल, टेस्ट मैंड्रल आर यूज्ड फॉर चेकिंग ट्रू रनिंग ऑफ स्पिंडल। नेक्स्ट है स्ट्रेट एज, इसमें लिखना इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग स्ट्रेटनेस एंड फ्लैटनेस। नेक्स्ट है आपका स्पिरिट लेवल, इसमें लिखना है यूज फॉर हाई ग्रेड प्रिसीजन वर्क। नेक्स्ट है आपका ऑटो कैलोमीटर, इसमें लिखना इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर चेकिंग डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है वेवीनेस, इसमें लिखना यूज्ड फॉर एग्जामिन एंड रिकॉर्डिंग सरफेस वेवीनेस। ठीक है, वेवीनेस का मतलब होता है सरफेस में इस तरीके कोई वेव तो नहीं है, लाइक एक आपका स्ट्रेट है ये, अगर हम इसको मैग्नीफाई करें तो मैग्नीफाई करेंगे तो हमें ऐसे वेव्स में दिखाई देंगे। तो ये जो वेव्स है ज़्यादा बड़ी चीज़ में ये स्ट्रेट ही हमें दिखाई देगा, बट इसके अंदर कोई वेवीनेस है कि नहीं, तो ये सब इसमें टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कर्व है, इसका नाम है बीटी कर्व। बीटी कर्व मीन्स बाथ टब कर्व, बाथ टब कर्व। एक्चुअल में हमारा जो ये कर्व है ये ऐसी दिखाई देती है जो बाथ टब जैसी, इसलिए हम इसे बाथ टब कर रहे हैं। अब देखिए बाथ टब कर्व में दो एक्सिस होती है हमारी, एक एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसमें एक्स एक्सिस में एक होता है हमारा फेलियर रेट और एक होता है हमारा टाइम पीरियड। ये कर्व हमारा, ये हमारा फेलियर रेट, एफ आर फॉर फेलियर रेट, और ये हमारा है टाइम पीरियड पी। ठीक है, टाइम पीरियड। अब होता क्या है,
इनिशियली ग्राफ हमारा ये होता है स्टार्टिंग ऊपर से नीचे तक। तो आप देख रहे हो इस ग्राफ का मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है फेलियर कम होता जा रहा है, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है फेलियर नीचे की तरफ जा रहा है, तो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। इस एरिया को या इस पार्ट को हम बोलते हैं इन्फेंट लाइफ। ये देखिए इन्फेंट फेलियर मतलब ये तब होता है जब हमारा कोई प्रोडक्ट बनता है, जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तो बनने के बाद टेस्टिंग की जाती है, तो टेस्टिंग करते वक्त जो भी उसमें फेलियर आते हैं ना वो यहाँ तक आते हैं। तो मतलब ये जो यहाँ तक का जो पॉइंट है ना ये तब मिलता है, तब तक के लिए हमारे पास होता है जब वो इन्फेंट लेवल में होता है, जब उसकी टेस्टिंग हो रही होती है। एक प्रोडक्ट बना, टेस्टिंग की, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, हमने क्या किया प्रोडक्ट को वापस फेंक दिया, नया प्रोडक्ट बनाया, फिर टेस्ट किया, प्रोडक्ट सही था यूज़ कर लिया, गलत था तो ख़राब था तो हमने उसको छोड़ दिया। तो ये वो वाला पार्ट है। उसके बाद ग्राफ जाता है ये, आप अगर देखा जाए तो इस ग्राफ के अंदर ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि टाइम बढ़ रहा है और फेलियर लगभग टेंस टू जीरो, देखो जीरो नहीं होती फेलियर, टेंस टू जीरो होती है, मतलब लगभग टेस्टिंग करने के बाद अगर उन्होंने आगे प्रोडक्ट भेज दिया तो कोई भी फेलियर नहीं होता। तो ये वाला पार्ट है कि कौन सा वाला जहाँ कोई फेलियर नहीं होता, और इसको बोलते हैं हम यूजफुल लाइफ। तो ये वाला पार्ट देखो यूजफुल लाइफ से लिखा हुआ, ठीक है। एक टाइम के बाद जब यूजफुल लाइफ होती है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट के अंदर जब यूज हो चुका होता है फिर प्रोडक्ट फेलियर खाना शुरू कर देता है, देखो बढ़ गया टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है फेलियर भी बढ़ रहा है। ये प्रोडक्ट के बारे में एक होता है, बाइक की देखो इनिशियली बाइक जब नहीं आती है तो टेस्टिंग करके वो हमारे पास में बाइक इस पॉइंट से मिलती है, हमें बाइक इस पॉइंट से मिलती है, इस पॉइंट से पहले पहले यहाँ तक ये जो एरिया होता है ये एरिया में बाइक होती है, जो बाइक बनाते हैं उनके पास हमें बाइक मिलती है, यहाँ से यहाँ तक हम बाइक का यूज़ करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। उसमें फेलियर रेट ज़्यादा होते ही नहीं, बट जब बाइक को 10-12 साल होते हैं या बाइक की इंजन की इंजन को इतना टाइम होगा तो खर्चा उसमें बढ़ जाता है, फेलियर रेट बढ़ने के चांस हो जाते हैं। तो वहाँ ये वाला ग्राफ होता है, जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फेलियर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक होता है प्रोडक्ट के लिए, और जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला पीछे वाला हिस्सा है, ये है हमें बाइक मिलने से पहले जो उसमें टेस्टिंग की जाती है तब से, ओके। सो एक और चीज़ है हमारे यहाँ पे कि अगर मुझे प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाना है, एक प्रोडक्ट की लाइफ तो यहाँ से यहाँ तक है बस इतनी है, अगर मैं प्रॉपर मेंटेनेंस करूँ, बिना मेंटेनेंस के ही ये लाइफ, बिना मेंटेनेंस के अगर मैं प्रॉपर मेंटेनेंस करूँ तो ये लाइफ इतनी बढ़ सकती थी, देखो यहाँ तक आ सकती थी, और इतनी बढ़ने के बाद फेलियर स्टार्ट हो सकता। तो हम जो ये एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करने के बाद, तो प्रॉपर मेंटेनेंस होती रहेगी तो बाइक की यूजफुल लाइफ बढ़ जाती है। तो यही ग्राफ देखिए, प्रॉपर मेंटेनेंस आप देख रहे हो, ये इन्फेंट फेलियर रेट है, मतलब जब प्रोडक्ट बनता है तो जब उस पर टेस्टिंग होती है और जब वो कामयाब नहीं होता तब ये लाइफ। नेक्स्ट है आपका यूजफुल लाइफ विद मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के साथ देखो कितनी ज़्यादा लाइफ है, और बिना मेंटेनेंस के ये लाइफ थी, ठीक है। तो यूजली जो आपका यूजफुल लाइफ होता है ना उसमें फेलियर बहुत कम होता है। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं जो मैं इसमें लिखवाता हूँ, फिकर ज़रूर बनाना, इसमें तीन पार्ट है ए बी एंड सी, दिख रहे हैं ग्राफ में ए बी एंड सी। तो लिखिए आप ए, ए इज़ द इन्फेंट फेलियर पार्ट इन विच फेलियर ड्यू टू फॉल्ट डिज़ाइन, मतलब जो फेलियर होता है ना वो डिज़ाइन गलत बनाने की वजह से भी हो सकता है।
नेक्स्ट थिंग ना पार्ट बी इज यूजफुल लाइफ इन विच फेलियर रेट इज क्वाइट स्मॉल. ओके नेक्स्ट लिखना पार्ट सी इज द पीरियड इन विच फेलियर रेट इंक्रीजेस रैपिडली. जब फेलियर रेट बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं. ओके तो ये तीन पार्ट होते हैं. ये होता है इन्फेंट लेवल जहाँ डिज़ाइन की वजह से आपका प्रोडक्ट प्रॉपरली काम नहीं करता. बी होता है जहाँ यूजफुल लाइफ हम यूज़ करते हैं किसी प्रोडक्ट की. और सी होता है जहाँ यूजफुल लाइफ होने के बाद प्रोडक्ट में फेलियर आना स्टार्ट हो जाए. जब एक टाइम ऐसा आता है जब प्रोडक्ट आपका बार बार ख़राब होना स्टार्ट हो जाए तो वो फेलियर रेट तक पहुँच जाता है. ओके और फेलियर रेट को थोड़ा बढ़ाना अगर हमें थोड़ा लेट लेके आना है या यूजफुल लाइफ को बढ़ाना है तो देख सकते हैं आप ग्राफ में मेंटेनेंस उसकी करनी पड़ेगी. ओके तो नेक्स्ट हम चलते आगे एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर मशीन टूल के एक्सेप्टेंस टेस्ट. तो मशीन टूल के एक्सेप्टेंस टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो अगर हमें कोई भी मशीन टूल को एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करने के लिए उसके तीन पॉइंट हमें ध्यान रखने पड़ेंगे. आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी. तीन जो उसके स्टेप होते हैं एक्सेप्टेंस के वो पहला होता है तीन टेस्ट जिसमें फर्स्ट होता है ज्योमेट्रिक टेस्ट, सेकंड होता है प्रैक्टिकल टेस्ट, थर्ड होता है अलाइनमेंट टेस्ट. ठीक है देखिए हम कभी जो टेस्टिंग करते हैं ना लाइक हमने कोई मशीन ली या बाइक की बात करते हैं बाइक लिया तो पहली टेस्टिंग उस पर होती है जब हमने उस पर कोई भी वजन ना डाला हुआ हो, जब उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो या सिर्फ बाइक सीधी खड़ी हो उसके ऊपर जो टेस्टिंग होती है ना उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक टेस्ट. ठीक है क्योंकि खड़ी बाइक है वो अच्छे से प्रॉपरली अलाइन है कि नहीं है या फिर उसके ऊपर कोई लोड लग रहा है या फिर कहीं से वो झुक तो नहीं रही है एक्स्ट्रा किसी एरिया से तो वो आपका ज्योमेट्रिक टेस्ट होता है. मीन्स जब टेस्टिंग हमारा बॉडी रुकी हुई हो वो फ्लैट है या प्लेन है तो ये सारी चीज़ें या प्रॉपरली उसके व्हील घूम रहे नहीं घूम रहे ये सब हम कौन से टेस्ट में आते हैं ज्योमेट्रिक टेस्ट. नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट. बेसिकली प्रैक्टिकल टेस्ट कब होता है जब उस पर कोई लोड लगा हुआ हो जब वो मशीन काम कर रही है जैसे बाइक जब चल रही है बाइक की स्पीड बाइक चलते वक्त वाइब्रेट कर रही है कि नहीं कर रही ये सब टेस्ट जो हम करते हैं होते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट. और लास्ट होता है अलाइनमेंट टेस्ट. तो अलाइनमेंट टेस्ट बेसिकली हम कब करते हैं जब वो मशीन प्रॉपरली उसके जो मशीन काम कर रहे हैं तो मशीन के जो पार्ट है या कंपोनेंट है वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उस टाइम जो टेस्टिंग होती है ये चेक करते हैं उसे हम बोलते हैं अलाइनमेंट टेस्ट. तो आप तीनों लिख सकते हैं कि मशीन टूल आर सब्जेक्टेड टू एक्सेप्टेंस टेस्ट विच आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज ज्योमेट्रिक टेस्ट, सेकंड इज प्रैक्टिकल टेस्ट, थर्ड इज अलाइनमेंट टेस्ट. तो ज्योमेट्रिक टेस्ट को लिखिए आप. This test is done when element of machine is idle or unloaded. Idle मतलब रुकी रहे जब उसका कोई use हो ना रहा हो. Unloaded मतलब उसके ऊपर कोई भी हमने वजन या कोई चीज़ हमने ना रखी हो. और इसमें लिखना नेक्स्ट वेरियस ज्योमेट्रिक चेक आर मतलब क्या क्या चेक करते हैं हम स्ट्रेटनेस फ्लैटनेस रोटेशन. स्ट्रेट है कि नहीं है फ्लैट है कि नहीं है रोटेट अच्छे तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है. नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट. ओके लिखना दिस टेस्ट
दीज टेस्ट आर आर इंटेंटेड टू चेक आर इंटेंटेड टू चेक व्हेन वर्क इज डन ऑन द मशीन, जब मशीन पे क्या हो रहा हो, काम हो रहा हो. नेक्स्ट अलाइनमेंट टेस्ट करना. इन दिस टेस्ट मूवमेंट ऑफ ऑल वर्किंग कंपोनेंट आर चेक, जितने भी आपके वर्किंग कंपोनेंट होते हैं उनके मूवमेंट को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं. मूवमेंट ऑफ ऑल वर्किंग कंपोनेंट आर चेक. ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे मैन पावर प्लानिंग. एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी हम काम या मशीनिंग या कुछ भी हम कुछ करेंगे उसमें मैन पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करती है. ठीक है, मैन पावर का रोल ये है कि वो हमारे काम, ज़्यादा मैन पावर होगा तो हमारा काम जल्दी होगा, काम प्रॉपरली होगा. हर किसी का एक प्रोडक्ट पे अगर हम 20 लोगों को लगाएंगे तो माइनर से माइनर गलतियाँ हमारी सही रहेगी, तो वो गलतियों को हम कम कर सकते हैं मैन पावर की हेल्प से और काम को जल्दी भी कर सकते हैं. तो आप ना, ये दो ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट है मैन पावर प्लानिंग के, इन दोनों को आप उतार लेना. बट उससे पहले एक मैन पावर प्लानिंग की डेफिनेशन लिखते हैं. ठीक ना, मैन पावर प्लानिंग. मैन पावर प्लानिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ इज द मैनेजमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव टैलेंट एंड necessary ability for a job. मैन पावर के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो आई थिंक आप सबको पता होंगे. फ़ायदे क्या है, क्या है, लेबर वेस्टेज मिनिमाइज करना, मतलब मैन पावर की जो प्लानिंग हम करते हैं फ़ायदा क्या, लाइक एक जगह एक काम के लिए 20 लोग उस काम को देख रहे हैं जबकि 15 लोग उसको कर सकते हैं अच्छे से, तो जो 5 लोग हैं वो एक तरीके से हमारा लेबर कॉस्ट बढ़ा रहे हैं. तो उन 5 लोगों को हटा के हम 15 लोगों से काम करवाएं तो हमारे जो लेबर वेस्टेज है वो कम हो जाएगा. ठीक है, मिनिमाइज़ कर सकते हैं. उसके बाद प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा, इंडस्ट्रियल पीस, मतलब भीड़ थोड़ी कम हो, मतलब ज़रूरत की भीड़ हो तो वहाँ इंडस्ट्रियल पीस, मतलब शांति रहेगी. उसके अलावा रिक्रूट करना और सिलेक्शन करने में हमारी आसानी होगी. अगर एक पैनल हो जो लोगों को रिक्रूट करे तो वो पैनल ऐसा हो कि वो अच्छे लोगों को रिक्रूट करे तो इस चीज़ में आसानी होगी. ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया. इसके से 5 पॉइंट लिख लेना आप, इसके से ऐसी वीडियो को पॉज करके इसके पॉइंट लिख लीजिए. रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इट शुड बी नीड बेस्ड, इट शुड इकोनॉमिक इन नेचर हो, सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड हो, तो ये सब इसके रिक्वायरमेंट है. सफिशिएंट इन एडवांस, तो ये सब आई थिंक आप लोगों को पता है. तो ये पॉइंट्स आप उतारिए. तो हमारा ये चैप्टर सिर्फ एक क्लास का बचा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये ओके साथ साथ नोट्स बनाइए और जैसा बता रहा हूँ वो चीज़ें समझिए. प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम अपने जूम क्लास पर मुझे बताइए.